रीवा एयरपोर्ट का नाम रीवा के प्रथम सांसद राजभान सिंह तिवारी के नाम किए जाने की उठी मांग। वरिष्ठ अधिवक्ता घनश्याम सिंह सहित सैकड़ों लोगों ने मिलकर कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। बता दें कि रीवा के एयरपोर्ट को एक अंतर्राज्यीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है। एयरपोर्ट का विस्तार कार्य तेजी से चल रहा है, जो जल्दी बनकर तैयार भी हो जाएगा। रीवा एयरपोर्ट को रीवा के प्रथम सांसद राजभान सिंह तिवारी के नाम किए जाने की मांग तेजी से उठने लगी है। आज रीवा के वरिष्ठ अधिवक्ता घनश्याम सिंह एवं राजकुमार सिंह तिवारी सहित सैकड़ों लोगों ने कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन पत्र सौंपा है, जिसमें कहा गया कि रीवा एयरपोर्ट का नाम रीवा के प्रथम सांसद एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सांसद राजभान सिंह तिवारी के नाम किया जाए। इस दौरान घनश्याम सिंह एवं राजकुमार सिंह तिवारी द्वारा कहा गया कि स्वर्गीय राजभान सिंह तिवारी स्वतंत्र एवं वैभवशाली भारत के निर्माण में इनका स्वर्णिम योगदान रहा है। ये रीवा के अमर महानायक हैं। देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले सांसद राजभान सिंह तिवारी के इतिहास को आने वाली पीढ़ी जाने, इसके लिए रीवा एयरपोर्ट का नाम सांसद राजभान सिंह तिवारी एयरपोर्ट के नाम से रखा जाए। इस दौरान ये मांग की गई है कि उनकी एक भव्य प्रतिमा रीवा में भी स्थापित की जाए। प्रस्तुत है प्राप्त जानकारी के अंश। बघेल खंड में स्वतंत्रता का अलग या दिया अगर किसी ने जलाया था तो वो राजभान सिंह तिवारी थे। वो कई मरतबा माने जेल भी गए और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं ही, उनका बोर्ड लगा हुआ है जेल में। वो यहाँ से पहली मरतबा सांसद चुने गए 1952 में, और उसी ज़माने में उसके पहले जो विंध्य प्रदेश की PSC बनी थी उसके वो चेयरमैन थे राजभान सिंह जी। तो हमारे यहाँ के बघेल खंड में और फिर इसके बाद विंध्य प्रदेश में स्वतंत्रता की वो अलग जगाते रह गए। चाहते हैं कि जो नया इंटर ये हवाई अड्डा बन रहा है रीवा का, इसमें उनको ऑनर किया जाए, इनको गरिमा प्रदान की जाए और इनके नाम से इस हवाई अड्डे का नामकरण कर दिया जाए। रीवा से प्रखर गुप्ता, ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक वाइब। स्वर्गीय श्री राजभान सिंह तिवारी जी विंध्य की बहुत बड़ी शख्सियत थे। ना केवल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे पर विंध्य क्षेत्र में मोनार्की के खिलाफ प्रजातंत्र की आवाज़ को मजबूत करने वाली बहुत बड़ी शख्सियत थे। आज हमारा दायित्व है कि उन सब के संघर्षों को, उनके विचारों को आज युवा पीढ़ी जाने। उसके लिए अगर एयरपोर्ट उनके नाम से हो सकता है तो मुझे लगता है इससे अच्छी श्रद्धांजलि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को किसी और तरीके से नहीं दी जा सकती। हमारा शहर संस्कारवान बनेगा, ऐसी उम्मीद से हम इस प्रस्ताव की पुरजोर सिफारिश करते हैं। धन्यवाद। रीवा के प्रथम सांसद, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिन्होंने अपना जिंदगी जीवन होम कर दिया किसके लिए, नई आने वाली पीढ़ी के लिए, स्वतंत्र भारत के लिए, वैभवशाली भारत के लिए। ऐसी महान विभूतियाँ अगर हम उनको याद नहीं करेंगे, उनको सम्मान नहीं देंगे तो एक तरह से ये कृतज्ञता कहलाएगी। ये पीढ़ी जो वर्तमान है और जो आगे आने वाली है, अपने महापुरुषों को कैसे जानेगी, किससे प्रेरणा लेगी, कैसे सीखेगी। और वो कई बार वो जेल गए, ये विंध्य प्रदेश PSC के चेयरमैन रहे, कांग्रेस के संस्थापक रहे वो, और रीवा के प्रथम सांसद थे 1952 से 1957 तक। ये महान विभूतियाँ हैं। इतिहासों में पढ़ाया जाता है महापुरुषों से प्रेरणा लो। अरे कैसे लोगे, जब तक आप उनका नाम या किसी को आगे न बढ़ाओगे, किसकी जिम्मेदारी है? प्रजातंत्र में सरकार की जिम्मेदारी है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारा ये निवेदन है, माननीय संभागायुक्त महोदय के माध्यम से जो ज्ञापन दिया गया है, कि ऐसी महान विभूतियों को ये वर्तमान और आगे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने के हिसाब से रीवा एयरपोर्ट का नाम स्वर्गीय सरदार राजभान सिंह तिवारी रीवा के प्रथम सांसद के नाम किया जाए। साथ ही साथ रीवा में, चाहे सिरमौर चौराहे में, चाहे सिविल लाइन में, चाहे कॉलेज चौराहे में, कि जो सबसे उपयुक्त स्थान हो वहाँ पे उनकी प्रतिमा का स्थापित किया जाए, जिससे लोग प्रेरणा लें। यही सच्ची आदरांजलि होगी ऐसे महान वीर बलिदानियों और सेनानियों।